मैं चाहता हूँ हमारे राजनेताओं से कि वो हम सब की फीलिंग समझें। पूज्य बापू से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति के दिल की बात नहीं है, करोड़ों करोड़ों हृदय की पुकार है। हम जब किसी को चुनते हैं नेता के रूप में, हम सबका नेतृत्व करें इसलिए, तो हमारी फीलिंग भी समझने की उनकी जवाबदारी हो जाती है। देश में अच्छे दिन की कल्पना की जाती है, बहुत अच्छी बात है, पर करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में बुरे दिन आ गए हैं और किस भाव से हम अच्छे दिन की सपने संजोते हैं अपने दिल में। मैं चाहूँगा हम सबके जीवन में अच्छे दिन आए। आज किसको, बापू को क्या नुकसान हो गया? बापू को जेल में डाल दिए षड्यंत्र के तहत, बापू का कुछ बिगड़ रहा है? लेकिन सोचिए समाज का कितना अहित हो रहा है। आज रोज मैं देख पा रहा था, रोज सत्संग में मैं जब भी ज़्यादा देखता, हजारों की संख्या में लोग दीक्षा लिया करते थे। दीक्षा लेने वालों में 100% लोगों के जीवन में परिवर्तन आता हो नहीं आता हो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि 10,000 लोग एक साथ दीक्षा लेते थे तो 5,000 लोगों के जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आता था। और केवल 5,000 लोगों के ही नहीं, 5,000 परिवारों का जीवन बदल जाता था, ये मैंने देखा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार को चाहिए कि ऐसे संत, जो ऐसे मनीषी जो हमारे जीवन को उत्कर्ष में ले जाते थे, आध्यात्मिक जीवन दिखाते थे, हमको भोग से उपराम कराते थे, हम सबको वही आह्लाद, वही सुख और सुविधा तो बहुत सारे पाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, पर आत्मिक सुख कोई सरकार नहीं दे सकती। ये मैं चाहूँगा सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से, इस क्षेत्र में वो कुछ कदम उठाएं और हमारे पूज्य बापू को शीघ्र जेल से रिहा कर हम सबको उनके दर्शन करने का सुअवसर प्रदान करें।